इकाई एक जीव जगत में विविधता, अध्याय एक जीव जगत, अध्याय टू जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय थ्री वनस्पति जगत, अध्याय फोर प्राणी जगत। जीव जगत सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जीव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जीव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सौमान्य विशेषताएँ पाई हुई उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे वे जो वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के सुवर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं भागीदारी को सामान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही मान पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों का आप वर्गीकरण परिस्पृह्य से वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर 1904 2004। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1905 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप तक वी के हंड्रेड महान वैज्ञानिक में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर आगसीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एस्मिरिटस की पदवी के साथ आकाश पर प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीय की परिभाषा को अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कृत दिए गए जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालूजान प्राइज, 1988 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में कॉरफूड प्राइज। मेयर ने 100 वर्षों की आयु में 2004 की स्वर्गवासी हुए। अध्याय एक जीव जगत 1.1 जीव जगत में विविधता 1.2 वर्गीय संवर्ग। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय मीठा जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क का सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करते हैं। प्रस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 नारीवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी एवं जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसके उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। 1.1 जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीव की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी वे पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं
जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र में बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी संघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं कि किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा बड़ी स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती थी है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों तथा उनको उनके स्थानीय नामों से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कभी ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता, नाम पद्धति सभी तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए नाम का आधार सामान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव का वर्णन से विश्व से किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस इनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीवविज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपके आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजीफेरा वंश नाम है जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसी अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जय नाम प्राय लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन इन भाषा का उत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। थर्ड, जैविक नाम को एक जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम का बताता है तो वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजीफेरा इंडिका के उदाहरण में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजीफेरा इंडिका लीन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीव का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है कि जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों को और कुत्तों बिल्ली अथवा कीट की सहायता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्तों के विषय में सोचते हैं तो आप मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टता, आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को। अब यदि अल्सेशियन के विषय में भी सोचें तो हमें पता
पता चले लगता है कि हम किसकी बात में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हम स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर में बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधे जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों के वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रकरण तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनांक आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्राक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नहीं है। मानव सदियों विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीव के नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति से में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। 1.2 वर्गीय संवर्ग। वर्गीय एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा संवर्ग को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम देते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्णक टैक्सॉन कहते हैं। उसकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकरणीय सुस्पर्शी जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गी की वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न केवल आकारकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली अथवा वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। क्या अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता वृष्टि अथवा उसके वर्गों के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा भिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। 1.2.1 स्पीसीज जाति। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है इसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम उसके लिए मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरसम, आलू तथा एंथ्रल्यू शेर के नाम लेते हैं। इन सभी तीन नामों से इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पर है, जबकि सबसे पहले शब्द मेंजिफेरा सोलेनम तथा एंथ्रा वंश के नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी
निरूपण करता है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकता है जो विभिन्न जीवों जिनमें अकारकीय गुण समान हों को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पर है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम मेलेंजिना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 1.2.2 वंश जीनस वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण आलू टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर पैंथरा लियो चीता पैंथरा पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस जिसमें जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश को फैलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। 1.2.3 कुल अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे की कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरण पौधे में तीन विभिन्न वंश सोलेनम पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं वो फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएँ तथा कुछ विभिन्नताएँ दिखाई पड़ेंगी। इन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनेडी तथा फैलेडी में रखा गया है। 1.2.4 गढ़ आड़ा, आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर रहित है। प्रायः गढ़ तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गढ़ में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। इनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक ऐसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश के अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवोलेसी सोलेनसी पॉलिसोनियल्स गढ़ में रखे गए हैं। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है जबकि प्राणी कार्निवोरा गढ़ में फैलेडी तथा कैनेडी कुलों में रखा गया है। 1.2.5 वर्ग क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गढ़ आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गढ़ जिसमें बंदर गोरिल्ला तथा गिबान आते हैं और कार्निवोरा गढ़ जिसमें बाघ बिल्ली तथा कुत्ता आता है को बिल्ली मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त तो मेमेलिया वर्ग में निगर भी आते हैं। 1.2.6 संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे फाइलम उभयचर सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठजु नोटोकार तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र को होने के आधार पर कार्डिटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों को जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को समुचित संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। 1.2.7 जगत किंगडम, जंतु के वर्गीकरण स्वतंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जंगत में रखा गया जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया जिससे कि उन्हें पौधों में से अलग किया जा सके। सब पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक भिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है। यद्यपि वर्गीय इस विज्ञानियों ने इस अनुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाता है, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों में जैसे घरेलू मक्खी मानव आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को दिखाया गया है। सामान्य नाम मानव, जैविक नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेटा,
वर्ग मेमेलिया संघ भाग कार्डिटा। हमारे नाम घरेलू पक्षी, जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल मोन्यूसिडी गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा संघ भाग आर्थ्रोपोडा। हमारे नाम आम, जैविक नाम मेंजिफेरा, वंश मेंजिफेरा, कुल एनाकार्डियसी गण सेपिंडलस, वर्ग इन डाइकॉटिलेडनी संघ भाग एंजियोस्पर्मी। सामान्य नाम गेहूँ, जैविक नाम टैटिकम एस्ट्रिवम, वंश टैटिकम, कुल एपोएसी गण पोयल्स, वर्ग मोनोकॉटिलेडनी संघ भाग एंजियोस्पर्मी। सारांश, जीव जगत में प्राचीन मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी उनकी बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों की एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर की आत्मक तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों के विविधता तथा उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियम तथा सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिससे जीव की पहचान, उनके नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। जीव की इस शाखा का वर्गीकरण नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों का विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकरण अध्ययन किसी कृषि वर्णिकी और मानव जीव संधान में भिन्नता के सामान्य ज्ञान लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकरण मूलभूत आधार जैसे जीव के पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं के आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा इसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम से नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी संवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम होते हैं। अभ्यास, कृपया इसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जीव का वर्गीकरण क्यों करते हैं।